एक बार हमें विजुअल दो चार को बनाने को ही बस हम भाई हमें विजुअल कम बा क्या मैं तो क्या करत रहा क्या घटना घटी है क्या बात है घटना घटी है कि 12:30 बजे के करीब वो शौच करने के लिए रोड के किनारे निकले हुए थे। अब अज्ञात कौन सा गाड़ी उनको एक्सीडेंट कर दिया कुछ मालूम नहीं चला। हमको सुबह 6 बजे मैं खेत घूमने गया था तो मेरा छोटा भाई दिल्ली में रहता है वो मेरे पास फोन किया ऐसा ऐसा बात हो गया भैया। मैं बोला ठीक है मैं उधर से ही निकल गया आया शाहपुर हॉस्पिटल में तो इनका लाश पड़ा हुआ था। इसके बाद वहाँ से डॉक्टर से मिलकर थाना प्रभारी आए जो अपना प्रक्रिया था वहाँ से यहाँ ट्रांसफर किए सदर अस्पताल में। अभी पोस्टमार्टम का कार्य चल रहा है। मतलब कि शाम को निकले थे घर से शाम को रात में 12:30 बजे घर वाले बता रहे थे ये घर वाले उनकी पत्नी बताई यहाँ से मैं पूछा उनसे बोली कि 12:30 बजे वो निकले शौच करने के लिए यहाँ। इसके बाद सुबह में पता चला कि गांव वाले बताए कि उनका एक्सीडेंट हो गया। कुछ काम करते थे ये? नहीं नहीं खेती किसानी करते थे गांव में रहते थे। कितने साल के हैं? वो करीब 60 के करीब होंगे। और इनके बच्चे लोग? बच्चे 4 लड़की है एक लड़के था उसका भी एक्सीडेंट हो गया था वो रेलवे से मतलब कि 10-15 साल पहले उनका लड़का भी था उसका देहांत हो गया। वो साई एक गाँव है रुद्रनगर गांव के बगल में वहीं उनका उसका भी एक्सीडेंट हो गया। अच्छा अच्छा तो अभी लड़की रह गई बस 4 लड़की है उनका एक लड़की तो यहीं है आराम में कौन सा गांव ये पूरा तो मालूम नहीं है। 3 लड़की उधर बिया प्रखंड में है एक कटिया गांव में है एक रूप बांध गांव में। आप इनके क्या लगते हैं? मैं मेरे मामा के लड़की है तो मेरा भाई हूँ जी मैं मेरा भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल यादव है। इनका? इनका राजेंद्र यादव इनका नाम है जुमिकत है जी। इनका पिताजी का आसकृत यादव नाम है। गांव? गांव सोभी टोला। सोभी टोला जी। ये कौन थाना में आता है? ये शाहपुर थाना में पड़ता है।